जब वो पहुंचाऊं, और सरकार के नियम है कि हर जगह गौशाला खुले, सरकार उसके लिए 30 रुपये रोज के हिसाब से खर्चा दे रही, और एक हमारे सज्जन जी महिला है, माता जी हमारी हैं, उनके बेटे हैं, कि जे कितनी जानवर खिला रहा है। पहले तो आप नाम अपना गांव बताइए। हमारा नाम सनी कुमार है और ग्राम बीजामू। यहाँ कितने बैल और कितनी गाय हैं? हमारे पास में लगभग 16-17 बैल हैं। अच्छा, 16-17 बैल है। इसको हाँ। कोई सरकारी सुविधा तो है नहीं? ना, कोई सुविधा नहीं। देखो साहब, तीन टप्पर है जैसा पड़ा हुआ। अम्मा, तुम्हारा नाम क्या है? राममूर्ति देवी। तो जे अकेली आप ही देखभाल करते हैं? हाँ हाँ, हम करते, हमारे बेटा देखते हैं। तो जैसे चोकर उखर जो इसको चारा खिला रहे हैं, अपनी लगाती हूँ? हाँ, अपने खिलाता हूँ। क्या नेकपाल? कोई भी ना नेकपाल या सचिव किसी बारे में कहीं? ना 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 ना, ब्लॉक में कभी सूचना दी? हम गए साहब, अपने ना गए। ब्लॉक कौन सा लगता है आपको? हाँ, नवाबगंज। तो ब्लॉक में जाने में क्या? हम ब्लॉक में गए थे साहब, बीडीओ साहब से मुलाकात हुई थी जी। तो बीडीओ साहब बोले थे, अच्छे व्यक्ति थे, तो बीडीओ साहब बोले क्या कहते हैं, आपके पास गौशाला है? हमने कहा साहब, बीजामू में। और मतलब गौशाला जो आपने खुद बनाई, कोई सरकारी तरफ से सत्र? हमने कोई मोल ना लेंगे जे कुछ ना, मतलब गांव में घूमते मुते पकड़ी भी ना है साहब। हाँ, जो देख ऐसी हैं, जैसे कोई गाय, एक बार एक गाय है वो उधर, वो सरदार जी एक कहीं बाहर के थे, उनकी पालतू थी, लेकिन वो चले गए थे करीब पंजाब 15-20 दिन के लिए, तो वो ऐसी बांध गए साहब चुंगन के लिए, कि चुंग लेगी तो अपनी रहेगी बाद में खूंटा, लेकिन बाई चांस खूंटा ना उखेड़ पाई तो वो जंगल में बंदी रह गई। अब जंगल में बंदी रह गई तो उसमें 15-20 दिन पड़ी रही, उसके नाक से खून बहुत, और उसे कोई देखने वालों ना, तो ऐसे उसे उठाए लाए, कहीं किसी दूसरी कोई पड़ी ऐसे ले आए, तो फिलहाल उनके बच्चा है गया, लाए तो ही 5-6 उठाए के, और बाकी अलावा यहाँ पे आगे बैल भी आ जाते हैं जो लोग हमारो चारा, उनको भी 2-3 को खिलाते हैं। तो आप जो चाहते हैं कि सरकार द्वारा आपको लाभ मिले? हाँ, मिल जाए तो सही है। मतलब जे अभी तीन टप्पर बंधे हैं सब, जे इनमें दान वाली सब आई हुई है? हाँ जी, लगभग हम लोगों ने इधर से उधर से पकड़ी हुई। सब मिला कितने पशु होंगे आपके? लगभग साहब इस समय 45 से 50 पशु होंगे। खर्चा कितना आता होगा लमसम? अच्छा, एक दिन में साहब अपने आप कर लेता, जो माँ जी भी काम कर रही है एक दिन, तो इनको हाथ उतर को इसी में इनके एक दिन। आपको कोई पेंशन तो मिलती ना? उम्र कितनी हुई? 60 साल है। तब भी कोई पेंशन मिला? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सरकार का कुछ भी नहीं मिला। मतलब लगा तुम्हारे अलग है सब? हाँ हाँ। अब अकेले जैसे इन्हीं से चला रही हूँ। गांव में लोग क्या कहते हैं, बुराई कर देते हैं। अब बीडीओ साहब के सामने, हमने खुद कही, बीडीओ साहब ने प्रधान जी को फोन लगाओ हमारे सामने, और हमारे सामने उनने पूछी, तो प्रधान जी से पूछी का जय गुरुदेव नाम की कोई डेयरी गौशाला चलता, तो हमारे सामने उनने फोन पे कही, अरे उनके जो गैया नाम पूछना। अब देखिए, आपके सामने कोई इतनी अफवाहें फैलाते हैं, मेरे चेहरे वाले आपको सब दिखा दो, कितनी गौशाला है, 45 जानवर ऐसे हैं जो पा रहे हैं। साहब बोले हम आवेंगे आपकी मुआयना करन, तो खैर कोई कमी वजह से ना आ पाते, सरकारी काम है साहब, व्यक्तिगत भी हो जाते हैं, तो लेकिन जा है कि क्या कहते, आज गए हम, तो आज वीडियो साहब कुछ हम लेट पहुँचे, तो इसलिए ना मुलाकात हो पाई ना, तो फिर से मुलाकात। चलो, हमारे चैनल द्वारा जितने अधिकारी जुड़े, शायद आपको सुविधा मिलेगी गौशाला, क्योंकि गाँव में गौशाला है, उनको खाने तक नहीं मिल रहा है, ठंडे में ऐसे खुले जानवर है, तब भी इतनी सुविधा कर रखी है, और शायद बारिश में भी और परेशानी हो, तो आप वीडियो साहब से मिलिए, और हमारे नवाबगंज के वीडियो साहब। हाँ, जाएंगे साहब। वीडियो साहब कह रहे थे वैसे आने के लिए, जब हम उनके पास गए थे। ठीक, नमस्कार।